ममता जी, जो इंश्योरेंस किया है ना, उसमें किसी को एक पैसा भी नहीं देना होता है। आलू और शुगर केन छोड़ के, पोटैटो और शुगर केन छोड़ के, उसमें 4.85 देना होता है, बाकी सब देता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना अच्छा सिस्टम सारे हिंदुस्तान में नहीं है। उसका ऊपर हम लोग रिसर्च करेगा, उसका बाद में अपने काम में जाएगा। इसीलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक प्रोग्राम बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो सीखो पढ़ो और उसको काम में लगाओ, अपने काम में लगाओ। हमारे साथ इस वक्त पश्चिम बंगाल के कृषि मंत्री हैं शोभनदेव चट्टोपाध्याय। सर, पिछले 10 सालों में अगर हम लोग देखें तो जो किसानों की हालत थी पश्चिम बंगाल में और आज जो किसानों की हालत है, उसमें तो जमीन और आसमान का फर्क है। और पूरे जो दूसरे राज्य हैं, सो पश्चिम बंगाल से कहीं ना कहीं अब प्रेरणा ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। क्या कहेंगे आप कृषि मंत्री? देखिए, इसके बारे में मैं पहले बोलना चाहता कि मेरा चीफ मिनिस्टर, जब से चीफ मिनिस्टर बना तब से उनका फोकस था एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर। क्योंकि हम लोग बोलता है बहुत छोटा सा सुना है मैंने, अन्नदाता, क्योंकि वो लोग हम लोग को फूड ग्रोअर्स, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद उसको सोशल सिक्योरिटी पहले देखा, कैसे सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। तो एक लोग आदमी को सोशल सिक्योरिटी होने के बाद उसको इंटरेस्ट आता है काम में, तो तब से हम लोग को एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा है, हर चीज़ों में प्रोडक्शन बढ़ा है। नया नया साइंटिफिक रिसर्च हो रहा है हमारा स्टेट में। अभी बिप्लब बोला था कि हमारा यूनिवर्सिटीज़ भी है, मतलब रिसर्च हो रहा है। तो ममता बनर्जी का पूरा ख्याल है एग्रीकल्चर में, इसलिए हम लोग को 6 टाइम कंसेक्यूटिव 6 बार हम लोग को कृषि कर्मों ने अवार्ड मिला था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, क्योंकि हमारा अचीवमेंट अच्छा है, हर चीज़ों पर अचीवमेंट अच्छा है। फाल्स तो नहीं होता था, अभी होता है, कुछ होता है। हमारा मेज इसमें हम लोग आगे बढ़ रहा है, पोटैटो में हम लोग 2nd है, यूपी से 1st है, पैडी में हम लोग 1st है, वेजिटेबल में 1st है, जूट में 1st है, और 2-4 साल बाद और काफ़ी चीज़ों में हम लोग आगे चला जाएगा। कहते हैं कि जब पेट भरा रहता है तो दिमाग भी ठीक रहता है। और हम लोग जब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में मानसून के वक्त अगर खड़ी कोई फसल है, अगर वो नष्ट हो जाती है, खासकर पूर्व बर्धवान में, तो किस प्रकार से हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नगद किसानों को राशि भिजवा कर उनका कल्याण किया, जबकि हम लोगों ने पिछली सरकार में इतना लंबा देखा या भारतवर्ष के किसी भी सरकार में इस प्रकार से अगर मानसून के वक्त किसानों को नुकसान हो जाता है तो नगद राशि किसी भी राज्य में नहीं मिलता, सिर्फ बंगाल में मिलता है। हमारा जो बंगला सेज बीमा है ना, इंश्योरेंस है, इसमें हर माल इसमें आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। जो भी खरीफ में होता है, बोरों में भी, रबी में होता है, ये लोग इसमें अंदर में आ जाता है, इसका नाम लिखा लेता है। और जितना फसल चला जाता है, अभी तो हम लोग सैटेलाइट सिस्टम के ले रहे हैं, पिक्चर ले रहा है सैटेलाइट सिस्टम से, तो उसके ऊपर असेसमेंट हो जाता है, क्विक असेसमेंट हो जाता है। पहले होता कि 2 साल बाद मिलता था, अभी होने का बाद 2 महीने के अंदर उसको पैसा मिल जाता है। और ज़्यादा जब होता है उसमें इंश्योरेंस का बाद भी गवर्नमेंट में फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, क्विक असिस्टेंस दे रहा है, या इसके बाद दिया हुआ है, अम्फान के बाद दिया था। लेकिन सबसे बड़ा है कि हम लोग ममता जी जो इंश्योरेंस किया है ना, उसमें किसी को एक पैसा भी नहीं देना होता है। आलू और शुगर केन छोड़ के, पोटैटो और शुगर केन छोड़ के, उसमें 4.85 देना होता है, बाकी सब देता है स्टेट गवर्नमेंट। तो इतना अच्छा सिस्टम सारे हिंदुस्तान में नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, देखिए, जो हम लोग को कृषक बंधु नूतन है ना, मोदी जी काल ही रुपया दिया है, उसमें 6,000 रुपया साल में ना, 21 करोड़ का। लेकिन किसान को मिलता है खाली वेस्ट बंगाल में, शेयर क्रॉपर जिसको भाग चाषी कहा जाता है उसको मिलता है। जब हमने मिला था सेंट्रल मिनिस्टर से वर्चुअल में, मैंने बोला था उसको कि हमारा स्टेट में हम लोग शेयर क्रॉपर को देता है पैसा, 10,000 रुपया शेयर क्रॉपर को भी देता है, लेकिन सारे हिंदुस्तान में कहीं भी स्टेट में नहीं देता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देता है। ओनली एक्सेप्शन इन आवर स्टेट
और चीफ मिनिस्टर जो शेयर को अप्रूवल देता है। श्रद्धा, और एक मेरा अंतिम सवाल है युवा शक्ति न्यूज़ के सामने, इस वक्त आपके स्क्रीन पर कृषि मंत्री हैं पश्चिम बंगाल के, एक मेरा अंतिम सवाल है कि अभी अगर हम लोग देखें कि युवा जो वर्ग है वो जो युवा फार्मर्स है वो फार्मिंग करना नहीं चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं वही कृषि में अपना काम कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, और जो युवा है वो तुरंत थोड़ा सा भी अगर पढ़ लिख रहा है तो वो शहर की तरफ भाग रहे हैं। अगर इस तरह से अगर कृषि का हाल रहेगा तो आने वाले समय में तो संकट आ सकता है। नहीं, ये तो बात ठीक है, हम लोग भी वही फेस कर रहे हैं। एक ही बात, सारी हिंदुस्तान नहीं सारी दुनिया में यही हाल है। तो लेकिन जब कोई समझेगा, जब हम एग्रीकल्चर बढ़ेगा उसका ऊपर हम लोग रिसर्च करेगा, उसका बाद में अपनी काम में जाएगा। इसीलिए एक प्रोग्राम हम लोग बनाया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक प्रोग्राम बनाया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, जो सीखो पढ़ो और उसको काम में लगाओ, अपने काम में लगाओ। ये प्रोजेक्ट भी मैंने लिया है, मालूम होता है कुछ दिन लगेगा लेकिन ये भी हम लोग सक्सेस। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।